तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा ऐप के बारे में जहाँ से आप फ़ोटो खींचोगे तो आपका फ़ोटो बिल्कुल DSLR जैसा दिखेगा। लगेगा कि आप DSLR से ही फ़ोटो को खींचे हुए हैं, क्लिप किए हुए हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपको लाइव प्रूफ करके मैं दिखाने वाला हूँ और फ़ोटो डायरेक्ट क्लिक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लगेगा कि बिल्कुल आपका फ़ोटो DSLR से खींचा हुआ है और इतना मस्त, इतना खूबसूरत दिखेगा कि कोई भी बंदा देखकर बिल्कुल चौंक जाएगा। तो आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यहाँ से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो, नाइस ट्रिक, नाइस फोटो एडिटिंग लिख करके आपको कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सबसे पहले बता दें कि ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको पूरा वीडियो देखना होगा कि कैसा फ़ोटो आपको क्लिक करना है और कैसे एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वालिटी में आपका फ़ोटो मिलेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के टाइटल पर यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको ऐप लिंक मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक मिल जाता है अलाउ का बटन, सिंपली आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा, तो हम इसको वेट कर लेते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है आपको लॉगिन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक कंटिन्यू टू विदाउट साइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू विदाउट साइन इन पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ओपन होने के बाद आपको पूरा प्रोसेस हम बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैमरा का आइकन दिख जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लिंक लेगा जो कि यहाँ पे इफेक्ट उफेक्ट जो भी होता है, जो कि आपको बैकग्राउंड में लगाना होता है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम के लिए वेट कर लेना है ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ डाउनलोड हो रहा है, जो आपके बैकग्राउंड में अच्छे अच्छे क्वालिटी में इफ़ेक्ट देता है डाउनलोड करने के लिए, उसी को यहाँ पे दे देता है आपको। यहाँ से गाइज कैमरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो को क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्लर का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी ब्लर। आप ज़्यादा ब्लर करना चाहते हो तो ज़्यादा ब्लर कर सकते हो, और यहाँ पे कम रखना चाहते हो तो कम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको एक थीम का ऑप्शन नीचे वाला, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी थीम आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत दिख रही है आपका फ़ोटो, और आप इस प्रकार से अपने फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है एक ऑप्शन सेव का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बिल्कुल आसानी से सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करते ही आपका फ़ोटो सेविंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक बात बता दें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे गैलरी का जो भी फ़ोटो होगा वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है।